हाय फ्रेंड्स, तो ये है व्यू कुंडेश्वर जाते समय का। एंड आप देख सकते हैं काफ़ी सीनिक है, रोड काफ़ी अच्छा है, पूरा सीमेंट रोड है एंड हर जगह ग्रीनरी रहते हैं। यहाँ पे विजिट करना है तो आप एक तो विंटर में आइए या तो फिर आप बारिश में ही आइए। मोस्टली प्रेफर कीजिए या मानसून सीजन में, क्योंकि सीनिक है काफ़ी मानसून सीजन में। समर में आपको काफ़ी गर्म होगा यहाँ पे, तो अवॉइड कीजिए यहाँ पे ये प्लेस पे आना। तो देख सकते हैं आप, रश भी कम रहता है ये जगह पे, आप इजीली आ सकते हैं। थोड़ा संभाल के चलेंगे, सीमेंट रोड है तो। हाय फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं एक नया ट्रैवल ब्लॉग जो कि रहेगा कुंडेश्वर मंदिर के बारे में। तो ये मंदिर लोकेटेड है बदलापुर में एंड ये काफी प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिर में बहुत जूना मंदिर है ये, और एक काले पत्थर को काले पत्थर से बनाया गया हुआ है। तो मैं आपको आगे का व्यू बताता हूँ, और मंदिर को जाते समय का व्यू काफी सीनिक है, आप देख सकते। बोलते हैं कुंडेश्वर पुल, और ये है वो जगह जहाँ पे आप देख सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं। ये एक्चुअली ऊपर से बोझ डैम का पानी यहाँ पे आता है और आप एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये है व्यू, तो ये है व्यू, और आगे भी आपको दो तीन वाटरफॉल है। तो वाटरफॉल का ये जो व्यू है, दो वाटरफॉल का नाम है, एक मांडवी वाटरफॉल है, एक कुंडेश्वर वाटरफॉल है, एक बदलापुर वाटरफॉल है। तीनों भी वाटरफॉल लाइन में, और एक दानकर करके कुछ तो है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिए। ये है व्यू, नीचे पूरा आपको चारों तरफ से आपको पहाड़ ही पहाड़ है, और यहाँ पे अभी शुरू हो गया है जोरदार बारिश। काफी सीनिक स्पॉट है, वहां पे भी कुछ तो है आई गेस, पिकनिक स्पॉट लंबे पे है। तो ये है वो लेक, सामने जो आपको दिखता रहेगा वो है कुंडेश्वर मंदिर, इधर है पार्किंग लॉट। काफी बारिश है तो शायद ग्लास के अंदर थोड़ा सा फॉग जैसा हो सकता है। तो ये है मंदिर के आजू बाजू का व्यू, यहाँ पे भी पार्किंग है, पर ये थोड़ा लंबा है, वो साइड पे कोई तो स्पॉट होगा उसके बिना नहीं। अरे इधर सेंटर में कुछ तो बनाया हुआ है, आई डोंट नो ये क्या चीज है। यहाँ पे छोटा सा पूल, ये है उनका पार्किंग एरिया, आगे की तरफ है मंदिर। तो ये है कुंडेश्वर मंदिर का एंट्रेंस, आपको जो राइट साइड में दिख रहा है वो छोटा सा वाटरफॉल है, मत जाइए, काफी रॉकी भी है और ऊपर से पानी आता है तो कुछ पत्थर वत्थर आ सकता है, रिस्की है, मत जाइए, आप सीधा जाइए। ये कुछ स्टॉल्स है, आपको मिल जाएगा खाने पीने के लिए, एंड मानसून में आ रहे तो आप भीगते हुए जाइए, क्योंकि बारिश आपको कंटिन्यूस लगेगा एंड काफ़ी हैवी रेन रहते हैं ये एरिया में। एंड सामने आपको दिख रहा है वो है कुंडेश्वर मंदिर, चलते आगे। तो ये है उसका एंट्रेंस, ये काफ़ी पैक रहता है अगर कोई महाशिवरात्रि या ऐसा कुछ प्रोग्राम रहेगा तो। वहाँ पे है वो है काली माता का मंदिर है एंड गणेश मंदिर है, ये है मेन मंदिर कुंडेश्वर का। ये व्यू है, काफ़ी फोर्स रहता है पानी को, वहाँ पे भी मत जाइए आप, एक्चुअली बंद ही रहता है, इसमें बैरिकेटिंग हो जाता है बाद में, अभी नहीं किया था पर बैरिकेटिंग हो जाता है, आपको अलाउड नहीं है वहाँ पर जाना। ये है कुंडेश्वर देवस्थान एंड ये है काली माता का मूर्ति, गणेश जी, आपको सब सब मूर्ति एक टाइम पे देखने को मिल सकते हैं, तो आपका दर्शन हो जाएगा। ये है देवी माता, देन हनुमान जी है, कृष्ण जी है, विट्ठल, हरि विट्ठल जी, गणपति, व्यू। एक्चुअली अगर आप समर में विंटर में आएंगे तो आपको इतना पानी नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ही पानी रहता है, आपको सिर्फ नीचे का फुट थोड़ा सा भीग जाएगा, उतना ही पानी रहता है। तो आप ये मंदिर को सब एक्सेसिबल रहता है, सब चालू रहता है, बस ये पानी का फोर्स बहुत हो जाता है करके बंद किया जाता है, एंड इधर से पानी आपको आगे, तो आगे आप यही पानी में एंजॉय करना है तो आप आगे कर सकते हैं, यहाँ पे मत कीजिएगा। तो भाई अभी आप फोर्स देखिए कितने, काफी ज्यादा फोर्स है इधर, आप मत कीजिए वो मस्ती, अगर कुछ ऊपर से पत्थर या समथिंग आ गया तो आपको इंजरी हो सकता है, ऊपर से आ रहा है क्योंकि बहुत। तो अवॉइड कीजिए यहाँ पे जाना, लोग ऊपर तक टॉप तक जाते और आप फोर देखे कैसे बढ़ सकती चीज़ें, आप ड्राइव वगैरह मत करना। ये कुंडेश्वर जाते समय आपको लगेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ से ऊपर जाते समय आपको कुंडेश्वर है, एंड ये वो डैम का जो पानी है आई गेस वही पानी यहाँ पे आता है,
आप डाइव वगैरह कुछ मत कीजिए, कितना डीप है कुछ पता नहीं, आप बस यहाँ पे थोड़ा सा आइए, चिल आउट कीजिए एंड मोस्ट प्रोबेबली ट्राई कीजिए कि आप जल्दी है, वरना रश होगा एंड देन फिर लोग रैंक कैंस हो सकता है, बेटर है। छोटा पिकनिक स्पॉट ये सही है, ये भी पूरा व्यू यहाँ का, यहाँ पे आपको कुछ पॉन या वड़ा पाव चाय वाय मिल जाएगा। आप एक काम कर दीजिए, आप ऊपर जाकर पहले मंदिर में दर्शन लीजिए, दर्शन लेने के बाद आप यहाँ पे आके एंजॉय कीजिए, और अगर आप बारिश में आ रहे हैं तो काफी बारिश रहता है, जोरदार बारिश आ सकता है, आप इस चीज का याद रखना। ये वाला जो एरिया वो काफी सेफ है, उधर ज्यादा ये है, तो ये है उसका क्लोजअप व्यू, तो ये है छोटा सा जगह, आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते, कोई कोई लोग यहाँ से डाइव भी करते थोड़ी देर, नहीं करना चाहिए, ये है इसको जम मारना वो मार सकते, नहीं मारना चाहिए, तो पत्थर रहेगा तो वाट लग जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक इट, बाय।